नमस्कार मेरे मित्रों, मैं कृष्ण कुमार पांडे, मेरे YouTube कृष्णा पांडे चैनल में आपका भव्य स्वागत है। मेरे मित्रों, आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखें और अधिक सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि मेरे को एक नई उमंग, नई उत्साह मिले। ये आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। आज जो मैं आप लोगों को वीडियो में जानकारी दूंगा, वो है फर्स्ट स्टेप रॉ मटेरियल के बारे में। तो जैसे हमारा स्ट्रिप हो चाहे क्वायल हो, आज उसकी फिजिकल के बारे में और उसके केमिकल के बारे में आज मैं इसी की जानकारी दूंगा। क्योंकि मेन क्या रहता है कि अगर रॉ मटेरियल हमारा सही मिला तो हमारा पाइप भी सही निकलेगा, रिजेक्शन परसेंटेज भी सही जाएगा और मिलो अपने मिल पे लोड कम पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों को जानकारी दूंगा रॉ मटेरियल के लिए। तो जो आज मैं फिजिकल टेस्ट के बारे में जो आप लोगों को बता रहा हूँ कि फिजिकल टेस्ट में क्या क्या देखते हैं, तो जैसे 0 mm से लेके अप टू 600 यानी 600 mm तक चौड़ाई, अगर पत्रे की स्ट्रिप की या क्वाइल की हम मतलब बना रहे हैं, तो उसमें माइनस 0 mm प्लस 4 mm रहना चाहिए। और एबव 600 mm यानी 600 mm से ऊपर की अगर स्ट्रिप हम ले रहे हैं, तो माइनस 0 mm प्लस 30 mm होना चाहिए। ये फिजिकल टेस्ट हुआ। अब रही बात केमिकल, तो केमिकल का बार बार मैं बोल रहा हूँ कि केमिकल के ऊपर में ही आपको जो है जैसे जैसे तो मेरे मित्रों, जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि केमिकल कंपोजिशन क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, कि केमिकल कंपोजिशन के आधार पे फिर हमारा टीएस और एलाइनाइजेशन चेंज होता है। तो सबसे बड़ी मेन इम्पॉर्टेंट होती है कि हमको रॉ मटेरियल की केमिकल कंपोजिशन, फिजिकल और उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ और एलाइनाइजेशन, इसके बारे में हमको जानकारी होना जरूरी होता है। और वो मैं आज आप लोगों को जानकारी दूंगा। आइए चलो देखते हैं। हाँ, तो मेरे मित्रों, जैसे मैं आप लोगों को बताया, आज की जानकारी एचआर स्ट्रिप और एचआर क्वाइल यानी रॉ मटेरियल के बारे में, रॉ मटेरियल पाइप के लिए, एमएस पाइप के लिए, फॉर एमएस पाइप एंड ट्यूब, ठीक है। अब पहला ऑप्शन देते हैं फिजिकल टेस्ट, मतलब फिजिकल में इसका क्या देखते हैं। तो मैं आप लोगों को बताया कि विड्थ, ठीक है, थिकनेस, और तीसरा जो रहता है टॉलरेंस, टॉलरेंस। तो इसमें बोलता है कि अप टू 600 mm तक। थिकनेस में क्या है कि परचेजर और मैन्युफैक्चरर, मतलब बनाने वाला और लेने वाला के बीच रहता है। इस थिकनेस बोलता है कि मैन्युफैक्चरर एंड परचेजर बिटवीन, मतलब मैन्युफैक्चरर और परचेजर के बीच में जो थिकनेस का रिक्वायरमेंट हो वो हम बना के देंगे। लेकिन
टॉलरेंस, स्ट्रिक्ट टॉलरेंस, विड्थ टॉलरेंस जो है विड्थ टॉलरेंस बोल रहा है कि माइनस 0 mm प्लस 4 mm रखते हैं, हमेशा प्लस रिक्वायरमेंट से विड्थ से 4 mm, 600 mm तक है तो 4 mm प्लस करेंगे। वहीं पे दूसरा क्या बोल रहा है कि एबव, एबव टू 600 mm, तो थिकनेस का सेम है, मैन्युफैक्चर और परचेजर के बीच में जो रहेगा वैसे ही बनाएंगे, उसके बीच में जो रिक्वायरमेंट रहेगा उसके हिसाब से थिकनेस बनाएंगे, लेकिन टॉलरेंस जब विड्थ का देंगे तो इसमें बोलता है कि माइनस 0 mm प्लस 30 mm रहेगा। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। अब जो सबसे मेन जो है केमिकल कंपोजिशन, दूसरा जो रहता है केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन में इसमें 3 ग्रेड किया गया है, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, 3 ग्रेड होता है इसमें। अब इसमें मैं आप लोगों को कार्बन, सबसे पहले कार्बन, अब इसमें केमिकल कंपोजिशन सबसे पहले कार्बन, मैग्नीज, मैग्नीज, उसके बाद फास्फोरस, सल्फर और सिलिकॉन। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब फर्स्ट ग्रेड में क्या रहता है कि मैक्सिमम, ये मैक्सिमम दिया जाता है, ये सब मैक्सिमम क्वांटिटी रहती है। आपको मैक्सिमम में क्या रहता है, 0.12 कार्बन होना चाहिए फर्स्ट ग्रेड में, सेकेंड ग्रेड में 0.20, थर्ड ग्रेड में 0.30। ठीक है, अब वैसे ही मैग्नीज में क्या बोलता है, 0.5, सेकेंड ग्रेड में भी 0.5, थर्ड ग्रेड में भी 0.5, परसेंटेज में ये सब रहता है। ठीक है, ये सारे परसेंटेज में रहते हैं। अब सल्फर और सल्फर जो है, फास्फोरस भी है, वो भी 0.05 परसेंट। ठीक है, सल्फर का भी सेम वैसे ही रहता है, 0.05 परसेंट। ठीक है, अब सिलिकॉन भी सेम रहता है, 0.08 परसेंट। अब सब क्वांटिटी तो ठीक है, लेकिन कार्बन के चेंज होने से, जो कार्बन, देखिए इसमें क्लियर लिखा है, कार्बन जो है फर्स्ट ग्रेड में 0.12, सेकेंड ग्रेड में 0.2 और थर्ड ग्रेड में 0.3, अब इसके चेंजिंग से क्या डिफरेंस आता है वो हम थर्ड में, जो हमारा जो है थर्ड चैप्टर आता है टेंसाइल, टेंसाइल टेस्ट और एलाइजेशन, टेंसाइल टेस्ट और एंड एलाइजेशन में चेंजिंग आता है। ठीक है, अब इसके देखिए, इसका ग्रेड में, अब ये ग्रेड के हिसाब से देखिए, इसमें इसमें ग्रेड हो गया फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, तो इसमें टेंसाइल टेस्ट, यील्ड स्ट्रीज और तीसरा जो है एलाइजेशन परसेंटेज, एलाइजेशन परसेंटेज। ठीक है, अब देखिए क्या बोलता है, फर्स्ट ग्रेड जिसमें 0.12 कार्बन है उसमें जो है मिनिमम, ये मिनिमम क्वांटिटी दी रही, मिनिमम परसेंटेज इतना होना चाहिए, मिनिमम मिनिमम, ये भी मिनिमम इतना होना चाहिए। अब ये क्या बोलता है, फर्स्ट ग्रेड वाला
330, 330 ये एमपीए में आता है, एमपीए 330 एमपीए, ये रहेगा 210 एमपीए, और इसमें मिनिमम जो है 25%। इसमें 340 एमपीए, 240 एमपीए और एलाइजेशन मिनिमम रहेगा 20%। अब इसके बाद 540 एमपीए, 310 एमपीए और इसमें हो जाएगा 15%। अब देखिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, जिसमें 12% कार्बन था उसमें मिनिमम टेंसाइल एमपीए जो रहेगा 330 एमपीए रहेगा, और यील्ड लोड जो यील्ड स्ट्रेस जाता है वो 210 एम्पीयर रहेगा, लेकिन एलाइजेशन 25% मिनिमम होना चाहिए फर्स्ट ग्रेड का माल चला रहे हैं तो। और वहीं पे सेकेंड ग्रेड का माल चला रहे हैं तो 340 एम्पीयर टेंसाइल स्ट्रेंथ मिनिमम रहना चाहिए, यील्ड लोड 240 एम्पीयर होना चाहिए और एलाइजेशन मिनिमम 20% होना चाहिए। और वहीं पे जब 0.3 कार्बन हो जाएगा तो उसका जो हो जाता है 540 एमपीए टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड लोड 310 एमपीए और एलाइजेशन जो है 15% मिनिमम हो जाता है। मतलब हमको सबसे पाइप के लिए हमको जितना एलाइजेक्ट माल सॉफ्ट और सॉफ्ट और एलाइजेशन एलाइजेटेड माल रहता है वो पाइप के लिए अच्छा रहता है। तो सबसे अच्छा जो माल होता है वो फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड का रहता है, तो इसीलिए फर्स्ट या सेकेंड ग्रेड का ही माल चलाते हैं। लेकिन आजकल तो जैसे स्ट्रिप का जो चल रहा है वो ज़्यादा सेकेंड ग्रेड से ऊपर ही चला जाता है, थर्ड ग्रेड ग्रेड का भी चला जाता है, जिसमें लगभग कार्बन जो है आपका 22 तक चला जाता है। लेकिन चलाते हैं लोग रियल पाइप के लिए चाहिए फर्स्ट और सेकेंड ग्रेड का माल, ये सबसे बढ़िया फर्स्ट और सेकेंड ग्रेड का माल रियल स्ट्रिप या कॉयल के लिए अच्छा रहता है। बात समझ में आ गई? फिर मैं आपको एक बार हल्का आप लोगों को फिर दोबारा रिपीट कर दूं, फिजिकल टेस्ट में वृत्त की चौड़ाई 600 एमएम तक, थिकनेस में जो है मैन्युफैक्चरर एंड परचेजर के बीच रहता है, टॉलरेंस में माइनस माइनस जीरो एमएम प्लस 4 एमएम, और 600 एमएम से ऊपर जाएंगे तो सेम वही है, थिकनेस जो है मैनुफैक्चर और परचेजर के बीच का रहता है, जैसे जो रिक्वायरमेंट रहेगा वैसे देना पड़ेगा, लेकिन चौड़ाई में माइनस 0 एमएम प्लस 30 एमएम रहता है। केमिकल कंपोजिशन जब उसका टेस्ट करेंगे तो फर्स्ट ग्रेड का अगर माल चला रहे हैं तो 12% 0.12% कार्बन, सेकेंड ग्रेड के लिए 0.2% और थर्ड ग्रेड के लिए 0.3%। मैग्नीज सब में सेम रहेगा, तीनों ग्रेड में 0.5 0.5%, फास्फोरस 0.05 0.05 तीनों में रहेगा, सल्फर जो है 0.05 0.05 तीनों में रहेगा, सिलिकॉन भी सेम तीनों में रहेगा 0.08। लेकिन टेंसाइल और एलाइजेशन में चेंजिंग हो जाता है जब कार्बन में चेंज करेंगे, कार्बन परसेंटेज चेंज होगा तो एलाइजेशन और टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड लोड में चेंज हो जाता है। तो इसमें जो है फर्स्ट ग्रेड के माल में 330 एमपीए लोड रहना चाहिए और यील्ड लोड जो है 210 होना चाहिए, एलाइजेशन 25% मिनिमम होना चाहिए। वहीं सेकेंड ग्रेड के माल में 340 एमपीए होना चाहिए और यील्ड लोड 240 एमपीए होना चाहिए, मिनिमम एलाइजेशन 20% होना चाहिए, और थर्ड ग्रेड के माल में 540 एमपीए टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड लोड 310 एमपीए और एलाइजेशन 15% मिनिमम होना चाहिए। तो मेरे मित्रों, अभी मैं आप लोगों को समझाया कि फिजिकल टेस्ट में क्या क्या देखते हैं, केमिकल में क्या देखते हैं और टेंसाइल स्ट्रेंथ में क्या देखते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग कमेंट करें और मैं आप लोगों को और अच्छी अच्छी वीडियो में जानकारी दूंगा, खास तौर से ट्यूब मिल और एचआर स्ट्रिप के बारे में। तो नमस्कार मेरे मित्रों, मेरी वीडियो को अधिक से अधिक देखें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार।